हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट विद रितु चौधरी पर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं उनको अगर डिस्काउंट पर जब इशू किया जाता है फॉरफिट के टाइम उसकी क्या एंट्री की जाती है। आज की क्लास में हम करेंगे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जब कंपनी शेयर को फॉरफिट कर लेती है तो कंपनी के पास राइट्स होते हैं कि वो उन्हें दोबारा री इशू कर सकती है। ठीक है, उनको दोबारा री इशू किसकी टर्म पर करती है, एट पार पर भी कर सकती है, एट प्रीमियम पर भी कर सकती है और एट डिस्काउंट पर भी कर सकती है। उसके लिए सेम एंट्री होती है, जैसे हम इशू के टाइम पर करते हैं वैसे हम री इशू के समय पर करेंगे, लेकिन री इशू में हम ड्यू की एंट्री नहीं करते, डायरेक्ट वो अमाउंट वाली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल वो वाली डायरेक्ट एंट्री कर जाती है। री इशू के टाइम ड्यू की एंट्री नहीं की जाती, ठीक है। और उसको री इशू को हम एट पार पर भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम पर भी कर सकते हैं और एट डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं। लेकिन डिस्काउंट के समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो हमारा डिस्काउंट है वो हमारी जितनी अमाउंट रिसीव हो चुकी है उससे ज़्यादा एक्सेस अमाउंट हम डिस्काउंट पर नहीं दे सकते। आइए हम एक बार पढ़ के देखते हैं री इशू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग। डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी टू री इशू द फॉरफिटेड शेयर्स। डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी होती है कि वो री इशू कर सकते हैं, किसको, फॉरफिटेड शेयर को री इशू कर सकते हैं, ऑन सच टर्म्स एज दे थिंक फिट। जैसा वो ठीक समझे वो उसी हिसाब से उनको क्या कर सकते हैं, री इशू कर सकते हैं। That is to say, they are no at liberty to reissue the forfeited shares at par. उनके पास लिबर्टी होती है कि वो शेयर्स को एट पार पर इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम पर कर सकते हैं और एट डिस्काउंट पर भी क्या कर सकते हैं, फॉरफिटेड शेयर को रीइशू कर सकते हैं। However, if the shares are reissued, जब भी शेयर को रीइशू किया जाएगा एट अ डिस्काउंट, The amount of the discount count cannot exceed the amount previously received on these shares. ठीक है, डिस्काउंट देते समय हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्काउंट की अमाउंट जो प्रीवियसली जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है उससे एक्सेस में डिस्काउंट नहीं दे सकते। देखिए, मान लीजिए इफ अ शेयर ऑफ ₹10, एक शेयर है ₹10 का, ऑन विच ₹3 हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, उसके ऊपर ₹3 आ चुके हैं, इज फॉरफिटेड, यानी कि ₹3 आने के बाद उसको क्या कर लिया गया, फॉरफिटेड कर लिया गया एंड री इश्यूड, और उसको री इशू कर दिया। मिनिमम ₹7 मस्ट बी कलेक्टेड, जो ₹7 रह गए वो तो हमें कलेक्ट करने ही करने हैं, ऑन इट्स री इशू, उसके री इशू के समय हमें वो ₹7 क्या करने हैं, कलेक्ट करने ही करने हैं। It means that maximum of ₹3 can be allotted as discount on the reissue of such shares. यानी कि उसके ऊपर हम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, ओनली ₹3 तक क्या दे सकते हैं, हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो आया आपको समझ में कि जब डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट देते समय हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारी अमाउंट हमें प्रीवियसली रिसीव हो चुकी है कहीं उससे एक्सेस तो हमारा डिस्काउंट तो नहीं है, उससे ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे किसी एग्जांपल में है कि ₹3 रिसीव हुए थे, ₹7 हमें कलेक्ट करने ही करने हैं, मैक्सिमम ₹3 की हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था रेशियो फॉरफिटेड शेयर से रिगार्डिंग। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है। देखिए, If the forfeited shares are reissued at par, जब at par पर reissue करेंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, at par की सिंपल एंट्री है। फिर at premium पर कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, ईजी है ये एंट्री भी। उसके बाद हम डिस्काउंट की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए, जब हम शेयर को रीइशू करते हैं, फॉरफिट किए हुए शेयर को रीइशू करते हैं और डिस्काउंट पर करते हैं, तो जो डिस्काउंट की अमाउंट है उसको हम कहाँ से ले लेते हैं, जो हमारे शेयर फॉरफिट जो हमने अमाउंट की थी वहाँ से उसको ले लेते हैं। इसलिए यहाँ पर हम शेयर डिस्काउंट अकाउंट ना लिख के क्या लिख देते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिख देते हैं। ठीक है, ये था एट अ डिस्काउंट के टाइम। और जब हमारे पास जो शेयर फॉरफिटेड का अगर हमारे पास कोई क्रेडिट बैलेंस रहता है,
तो उसको हम एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो जब हम उसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब हमारे पास उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में उस अमाउंट को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और यहाँ पर बेटा ये भी बात ध्यान रखने की है कि हम उसी अमाउंट को, मान लीजिए हमने फॉरफिट किए थे 400 शेयर को फॉरफिट किया है, लेकिन उसमें से रीइशू किए हैं हमने ओनली 200 शेयर्स, तो जो हमारा कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर होगी, हम वो 200 की अमाउंट ही ट्रांसफर करेंगे कैलकुलेट करके, ना कि होल जितने हमने सारे फॉरफिट किए उतने के अमाउंट करेंगे। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जितने शेयर हमने फॉरफिट किए हैं और उसको दोबारा जितने को रीइशू किया है उसको ही हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, उस पोर्शन हमको फाइंड करेंगे, उस पोर्शन को फाइंड करने के बाद हम क्या कर देंगे, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, आया आपको समझ में, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स क्या होता है, उसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज क्या होती है, उसको फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, जो हमारा अगर फॉरफिचर का जो अगर क्रेडिट बैलेंस रहता है तो उसको कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। और कितना ट्रांसफर करेंगे, जितने शेयर हमने रीइश्यू किए हैं उसका पोर्शन फाइंड करके उसको कहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, कल हम करेंगे इसे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करके देखेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक का कम्प्लीटली। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो वीडियोस को जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।